आजाद उम्मीदवार लेखराज शर्मा ने नदौन विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन भरने पहुंचे लेखराज शर्मा के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इंद्रपाल चौक से एसडीएम कार्यालय नदौन तक भव्य स्वागत किया और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए नामांकन स्थल तक पहुंचे। लेखराज शर्मा ने एसडीएम नदौन अमित मेहरा को नामांकन सौंपा। आजाद उम्मीदवार लेखराज शर्मा ने बताया कि क्षेत्र का पूर्ण विकास किया जाएगा, साथ ही उन्होंने भाजपा व कांग्रेस के विधायकों को जमकर कोसा। आजाद उम्मीदवार लेखराज शर्मा ने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 18 ऐसे लोग हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं और उनके लिए ना तो भाजपा के विधायक और ना ही कांग्रेस के विधायक आज तक कुछ कर पाए हैं। बोरियां होती थी, उनमें पानी होता था और लोग वहां से पानी लेकर आते थे। अभी वहां पर भी उनकी सफाई ना होना, पानी का विशेष केंद्र बना हुआ है, हैंडपंप बाहर लगाए गए हैं जहां इनके चेहते हैं, एक एक आदमी को लगाया गया है। जहां पर इनको देखते हैं ये कि यहां से मेरे को वोट पड़ेगा, वहां पर ये हैंडपंप लगा रहे हैं, बाकी जनता कहां जाएगी ये बताइए आप मुझे। देखिए मुझे मैं कोई ये नहीं है, मेरा कोई विचार नहीं है, जनता जो करेगी वो मेरे लिए मान्य होगा, फाइनल होगा, फाइनल मुकाबला जनता करेगी इनके साथ। मेरा विकास का मुद्दा है और क्या करना है, मैंने हर गरीब आदमी के पास जाता हूँ। देखिए आपने अभी क्या मुद्दे रहेंगे इसके बारे में मैंने से क्या पूछ रहे हैं आप। पूरे विधानसभा क्षेत्र का पत्रकार दौरा कीजिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में 18 ऐसे अपांगहीन हैं जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। एक माँ के तीन तीन बच्चे हैं, वो माँ उनको रोटी हाथ से खुलाती है, न चलते हैं न फिरते हैं, न अंदर बाहर कहीं नहीं जा सकते। इनमें से कोई भी ऐसा विधायक आज 15 साल एक हो गए, 10 साल एक हो गए, एक ने भी उनकी एक पैसे की हेल्प नहीं की। पैसा कहाँ दिया अपने यारों दोस्तों को, आप आरटीआई मांगिए, आप देखिए 5 लाख साल का पैसा आता है चक्रवर्ती का, कहाँ गया वो पैसा इनको पूछिए। इसके अलावा लगभग 12 से 13 आदमी आईसीयू में लगे हुए हैं, कपड़े कमरे के अंदर, उनकी माँ उनकी घरवालियां उनको पलटती हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ, वहां तक नहीं गई, सभी एक्सीडेंटेड केस है वो। तो इन चीजों के देखते हुए मैंने तो गांव-गांव में जाना है, मैंने जनता से अपील करनी है, मैं सेवा करूंगा, करता रहूंगा, जो मुझे सैलरी मिलेगी उसका भी साफ महीने वाले ले लेना आप मेरे से कि मैंने किसको दी, मैं चलते फिरते बांटता रहूंगा, मुझे कुछ नहीं लेना इस दुनिया से। मैं अभी एक बार तो हम कपड़े पहन के आए, दोबारा नहीं चोड़ा मिलेगा हमारे दोस्तों। उन्होंने कहा कि वह काम करने आए हैं और काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद लोगों से गांव-गांव में जाकर मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि मैं औरों की तरह बचोलिए नहीं रखूंगा, खुद गांव-गांव जाकर लोगों से मिलूंगा। गौरतलब है कि इससे पहले आजाद उम्मीदवार लेखराज शर्मा ने जिला परिषद के चुनावों में भाजपा से बगावत की थी, जिसको लेकर भाजपा से आजाद उम्मीदवार लेखराज शर्मा को निकाल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि नदौन की जनता किसका कितना सहयोग करती है। देखिए मेरी बात सुन लो, मैंने काम करना है, मेरा एक ही मुद्दा है काम करना है, जहाँ जरूरत होगी वहाँ काम करूंगा, प्रोटी बेस पे करूंगा, ना सोता हूँ ना सोने दूंगा। संदेश मेरा क्या है, जनता मेरे साथ है और मेरा सहयोग दें और आने वाले समय में मुझे विधानसभा भेजें और मैं ताकि हर गांव-गांव के बीच में खुद जाऊंगा। मैं चमचे बचोले नहीं रखूंगा जिन्होंने रखे हुए हैं। बहुत है, रुक जाइए सुन लो, कहाँ कहाँ है, गलोड़ में एक, कांगू में एक, बढ़ेड़ा में एक, बटराण में बड़े बड़े प्रभीषण एक, उसके बाद जलाड़ी में एक, नदौन में एक, भूमपल में एक, हर जगह एक एक रखा हुआ है उन्हें। गांव के बीच में कुछ नहीं, मेरे को कौन जानेगा लेखराज कौन है जी? गरीब को कहाँ पता चलेगा कि लेखराज पैसे देता है, हेल्प करता है जी? बात समझिए मेरी, आप जहाँ आप 5500 रुपया देते, मैं ही नहीं देता हूँ, और भी देते हैं, तो वो क्यों लगाते हैं भाई? मैंने नहीं सोचा, सपना नहीं था मैं यहाँ पहुंचूंगा, मुझे इस जनता ने यहाँ पहुंचाया है, आशीर्वाद दिया है, मेहनत मैंने की है, मेहनत करना मेरा फर्ज बनता है, जो कमाई का हिस्सा वो जनता में बांटूंगा, चाहे मैं अखबार में लगाऊं, चाहे मैं बीच में बांटूं, 50% में बांटता हूँ, 50% मेरी खबर जाती है, 50% मेरा ऐसे जाता है, क्या लेना किसने मेरे से? मैं कमाता हूँ, मैं कुछ चोरी चिमटाल अफीम चस का धंधा नहीं करता हूँ।